बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। प्यारे बच्चों, आज हम पोएम कर रहे हैं वेलकम टू द नाइट, रात को खुश आमदेद कह रहे हैं। दिस ब्यूटीफुल पोएट्री, ये खूबसूरत शायरी शाइन्स द लाइट ऑन द मिस्ट्री ऑफ नाइट टाइम, ये रात के राज पर रोशनी डालती है, आंसरिंग द क्वेश्चन, और इस सवाल का जवाब देती है What happens, तब क्या होता है, when we are asleep, जब हम सो रहे होते हैं, and all is dark, जब हर तरफ अंधेरा होता है, and still, यानी खामोशी होती है, सुकून होता है। Welcome to the night, a rhyming poem, ये एक rhyming poem है, That introduces how the nocturnal world wakes, जो हमें बताती है कि रात की दुनिया कैसे जागती है। What is the rhyme? Rhyme किसको कहते हैं? A rhyme is when words sound similar. एक rhyme वो होता है जिसमें जो होती हैं अल्फाज की आवाजें एक जैसी होती हैं। जैसे ये poem है, To all of you who crawl and creep, who buzz and chirp and hoot and peep, Who wake at dusk and throw off sleep, welcome to the night. इसमें जो creep, peep और sleep हैं, ये rhyming words हैं। तो अब हम देखते हैं कि बस crawl किसको कहते हैं? Move forward by dragging the body close to the ground. जैसे वो जानवर जिनकी टांगे होती हैं, वो जब रिंगते हैं तो उसको crawl कहते हैं। लेकिन creep कहते हैं वो जानदार जो अपने जिस्म को घसीटते हैं उसको क्रीप कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं स्नेल जो है वो क्रीप से चलता है, और इसी तरह बज, आपने शहद की मक्खी की आवाज सुनी होगी, अ लो कंटिन्यूस हमिंग और मर्मरिंग साउंड, वो जब पड़पड़ाती है तो एक मुस्तकिल आवाज आती है, उसको बज कहते हैं, शहद की मक्खी की आवाज। और जब परिंदे बोलते हैं तो परिंदों का जो चहचाना है उसको चिर्प कहते हैं। A small bird makes a short, sharp, high pitch sound. जैसे वो गाना गाता है तो हम कहते हैं परिंदा चहचा रहा है। Hoot, जो उल्लू होता है उसकी वो जो आवाजें निकालता है उसको hoot कहते हैं। और sleep कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि why do owls hoot? जो उल्लू हैं वो क्यों आवाजें निकालते हैं? तो जब उन्हें अपनी मादा चाहिए होती है तो उसको बुलाने के लिए, मोहब्बत का इजहार करने के लिए वो आवाज निकालते हैं। इसके अलावा जब कोई उनका साथी दूर हो तो उसको करीब लाने के लिए हूट करते हैं। फिर आमतौर पे जो उल्लू होता है दूसरे परिंदों के घर पे कब्जा कर लेता है, तो वो अपने कब्जे का ऐलान करने के लिए आवाज निकालता है। और फिर जैसे हम इंसानों को घर चाहिए होता है तो फिर अपनी मादा को उसमें घर में बुलाने के लिए आवाज निकालता है। इसी तरह जब उल्लू को कोई खतरा पेश आता है, कोई जानवर देखता है, तो वो भी आवाजें निकालता है। Why an owl hoots और why at night, रात ही को क्यों उल्लू बोलते हैं? दुनिया में 220 से ज्यादा अकसाम पाई जाती हैं उल्लू की, और उसमें से 70% जो हैं वो रात को जागती हैं, और जिनको नॉक्टर्नल स्पीशीज कहते हैं, तो इसलिए ये रात को बोलते हैं। पीप कहते हैं किसी छोटी सी दरख्त से झांकना, तो पीप यानी दरख्त से झांकना, और जैसे ये बच्चा झांक रहा है। और डस्क कहते हैं शाम को जब सूरज गरूब होने लगता है तो उसको कहते हैं डस्क। और स्लीप, आपको पता है कि जब इंसान थक जाता है तो वो रात को नींद लेता है। तो टू ऑल ऑफ यू हु क्रॉल एंड क्रीप, उन सब के लिए जो घुटनों के बल चलते और रिंगते हैं, हु बज एंड चिप एंड हूट एंड पीप, जो फड़फड़ाते हैं, चहचाते हैं, आवाजें निकालते हैं और झांकते हैं, हु वेक एट डस्क एंड थ्रो ऑफ स्लीप, जो शाम को जागते हैं और अपनी नींद को फेंक देते हैं, वेलकम टू द नाइट, उन्हें रात में खुश आमदेद। तो ये इसका उर्दू तर्जुमा था। तो इसमें क्रीप, पीप और स्लीप राइमिंग वर्ड्स हैं। तो प्यारे बच्चों, कुरान मजीद में अल्लाह ताला कहता है, और बनाया है हमने रात और दिन को दो निशानियां,
सो तारीख कर दिया हमने निशानी को रात की, यानी अल्लाह ताला के निशानों में से एक निशानी रात है। दिन रात का हेर फिर अल्लाह ने बताया, इसी वजह से हमारी ज़िंदगी चलती है, हम रात को आराम करते हैं, लेकिन कुछ अल्लाह की मखलूकात हैं जो रात को जागती हैं। तो ये हमने पहला स्टांजा किया, अगले लेसन वीडियो में दूसरा स्टांजा करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।